आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं अभिषेक कुमार यादव, अहीर जाति इन्होंने लिखी हुई है। इनका प्रश्न है कि लघु मृत्युंजय मंत्र में ह्रोम होगा या होम होगा, ऐसा मार्गदर्शन कीजिएगा। तो मृत्युंजय मंत्र में ये जो बीजाक्षर है वो हौंग है, हकार और औकार की मात्रा और अनुस्वार, हौंग रकार नहीं है। ये इसका स्वरूप है, चाहे वो त्रिअक्षरी हो या जो है दशाक्षरी द्वादशाक्षरी या और भी मृत्युंजय महामृत्युंजय या मृत संजीवनी हो, ये बीजाक्षर सब में जुड़ा है, सबके लिए यही स्थिति है। एक निवेदन कर रहा था, शास्त्रों में बतलाया गया है कि जिन जाति विशेषों में यज्ञोपवीत की परंपरा नहीं है, जो शूद्र जाति में हैं, शतशूद्र अशतशूद्र हैं, उन लोगों को वैदिक मंत्र और प्रणव ओंकार युक्त मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में निषेध है। कुलारणव तंत्र में कहा गया है कि बिना ही प्रणवम मंत्र स्त्री शूद्राणाम प्रकीर्तितः प्रणवेन समायुक्तास्तन्मंत्राश्च विशोपमाः, कह रहे हैं कि बिना ही प्रणवम मंत्र, प्रणव से रहित मंत्र को ही स्त्री और शूद्रों के लिए कहा गया है। प्रणवेन समायुक्ता, प्रणव से युक्त मंत्रों को तो तन मंत्राश्च विशोपमा, प्रणव से संयुक्त मंत्र इन लोगों के लिए जो है विष के समान होते हैं, यानी घातक होते हैं, उनका अभीष्ट सिद्धि नहीं होती, ऐसा ही नहीं और उल्टा फल हो जाता है। यदि कोई द्विज ब्राह्मण आदि किसी लोभ आदि के कारण और भी किसी कारणों से यदि कोई शूद्रों को प्रणव यानी ओंकार और स्वाहाकार से युक्त मंत्रों को प्रदान करता है, पढ़ाता है, देता है, बोलने की अनुमति देता है, तो क्या होता है ये बतलाया जा रहा है कि स्वाहा प्रणव संयुक्तम मंत्रम शूद्रे ददे द्विज, शूद्रश्चांडालता मेति विप्र शूद्रत्वमेव ही। स्वाहा प्रणव से युक्त मंत्रों को कोई द्विज ब्राह्मण शूद्र ददे, यदि शूद्र के लिए देता है तो वो शूद्र व्यक्ति शूद्रश्चांडालताम येति, वो शूद्र तो चांडाल को, चांडालत्व को प्राप्त हो जाता है, वो चंडाल हो जाता है, और विप्र शूद्रत्व में वही, और निश्चित ही वो ब्राह्मणत्व से गिर करके शूद्रता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में निर्णय है। इसलिए ओंकार से युक्त मंत्र वे ही द्विज पढ़े, प्रयोग में लाए, जो यज्ञोपवीत धारण करके विधिवत पालन करते हैं, और जो यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं, ऐसे जो द्विज बंधुओं के लिए भी तथा शूद्रों के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी ये उपयुक्त नहीं है, वे इसमें अनधिकृत हैं। इसलिए चाहे मृत्युंजय हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, आजकल सब लोग बोल रहे हैं, स्कूलों में सबको बुलाया जा रहा है, बालिकाओं को, कन्याओं को, स्त्रियों को, अनुपनीतों को, बालकों को, सब जातियों के लिए, तो ये लिखा हुआ है तन मंत्राश्च विशोपमः, वो उनके लिए घातक हैं, जहर के समान हैं, इसलिए इससे बचें और अपने अधिकार में रह करके अपने जिसमें शास्त्रों ने उनको अधिकृत किया है उन्हीं मंत्रों का जप करें।
हर हर महादेव।